तो हेलो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, मैं आज आपको आज अब कंटेंट बताना चाहता हूँ यूएमटी टूल के ऊपर है, यूएमटी टूल प्रो के ऊपर है। जो कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं यहाँ पे दो अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आज तो अपडेट आया ही आया है, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पे दो अपडेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर आप देखिएगा, तब तो आपको जाके प्रॉपर समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है और कैसे नहीं करना है सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। मैं सारी चीज़ वीडियो में कवर करता हूँ और उसके बाद अपडेट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ यूएमटी का जो अपडेट आया हुआ है, क्यूसी फायर का क्वालकॉम टूल के लिए आया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूसी फायर का 7.3 द अल्टीमेट क्वालकॉम टूल, यहाँ पे ये क्वालकॉम टूल के लिए आया हुआ है और ये अपडेट है 7.3। और यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट आया हुआ है यूएमटी V2, यूएमटी प्रो, और इसका जो वर्जन है यहाँ पे 7.3। इसका जो मेन अपडेट है अडेड है जो इन्होंने किया हुआ है सैमसंग के फ़ोन की FRP, जो कि यहाँ पे सैमसंग का आप यहाँ पे टैब को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सैमसंग का जो टैब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो टैब है फ्रेंड, ये FRP का है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब इसमें J6 और J4 Plus है जो हमारा मॉडल है, और J6 Plus है, इसमें क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है और टेस्ट पॉइंट से आप इसकी FRP रिमूव कर सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और इसके सेटअप में भी आपको दिखाऊंगा। तो आप नीचे आएंगे फ्रेंड, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे सीधा, नीचे आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड मिरर्स पे जाएंगे। आप यहाँ पे बहुत सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब उसके बाद फ्रेंड, ये देखिए मैंने यहाँ पे सेटअप को कर लिया है, ये हमारा सेटअप है 7.3, इसे हम कर देते हैं इंस्टॉल। तो ये मैं आपके सामने सारा चीज कर रहा हूँ लाइव। तो चलिए ये देखिए हमारा यहाँ पे यस, और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। तो ये हमारा अपडेट है 7.3 का, और यहाँ पे आप क्वालकॉम सीपीयू को बहुत इजी तरीके से FRP रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड। ऐसे ही मीडियाटेक में भी है, तो जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपके सामने अपडेट के साथ जुड़ा रहूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बट आई होप अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट यहाँ पे ये जैसे इंस्टॉल हो जाता है, फिर इसके अपडेट के बारे में क्या यहाँ पे अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पे सारा चीज दिखाऊंगा। तो मैंने शुरू में आपको दिखा दिया, उसके साथ एक अपडेट और दूंगा जो कि आप लास्ट एंड तक बने रहेंगे। तो ये पहला अपडेट चल रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम रिपेयर कर देंगे। ये हमारा विजुअल का C++ होता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और हो जाएगा। तो सेकेंड अपडेट के लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और पता है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा रिपेयर हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पे रिपेयर हो रहा है विजुअल। इसको हम कर देंगे क्लोज, इसको करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको कर देंगे रन। हमने यूएमटी डोंगल को लगा के रखा हुआ है पीसी में, और खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है फ्रेंड। चलिए फटाफट यहाँ पे हम इस टूल को ओपन कर लेते हैं। टूल ऑलरेडी हमारा ओपन हो जाएगा, होते होते बोलते बोलते हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। और ये जो है देख सकते हैं 7.3 का अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो मेन अपडेट था, मेन कंसेप्ट जो अपडेट का था, ये सैमसंग की J4 और J5 को इन्होंने ऐड कर दिया है टेस्ट पॉइंट से। ये सारी चीज मैं आपको यूट्यूब में भी मेंशन कर दूंगा कि कैसे उसको टेस्ट पॉइंट को ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते भी हैं फ्रेंड की, सपोज यहाँ पे आप लिखते हैं सैमसंग SAMSUNG J4 Plus टेस्ट पॉइंट। तो जैसे आप उसको टेस्ट पॉइंट को लिखते हैं, तो आप यहाँ पे इमेज में जाएंगे, और इमेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे देख रहा है, आपको इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कमांड को आपको ग्राउंड के साथ टच करना है, तो आपका क्वालकॉम पोर्ट बना लेगा फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो ऐसे हमारे J6 का भी है, तो यहाँ पे J6, J610F और J415F, ये दोनों का अपडेट आया हुआ है। सारी चीजें क्वालकॉम पोर्ट आपको बनाना है और यहाँ पे काम करेगा। कैसे करेगा, आपको रीडेंट टूल पे जाना है, आपको यहाँ पे ब्रांड सैमसंग सेलेक्ट करना है। मैं फटाफट जा रहा हूँ जिससे आपको देरी ना हो। सैमसंग सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे मॉडल आप क्वालकॉम जो इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पे काम कर रही है। मैंने वीडियो डाला हुआ है
ऐप डिस्क्रिप्शन में जाकर के M11 का शायद, या फिर हाँ M11, सॉरी याद ही आ गया, M11 का मैंने वीडियो डाला हुआ है FRP टेस्ट पॉइंट से। आप वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए आई बटन पे जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप आई बटन में जाएंगे और आपको यहाँ पे वीडियो हमारा M11 का UMT से FRP कैसे रिमूव करते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे मॉडल, जितने आपके मॉडल दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, ये होगा क्वालकॉम के टेस्ट पॉइंट। आपको क्वालकॉम पोर्ट बनाना होगा और चुटकी में आपके FRP रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने ऐड किया हुआ है J4 यहाँ पे और J6, ये इन्होंने ऐड किया हुआ है फ्रेंड। तो इसको आप सीधा जा करके रिसेट FRP पे क्लिक कर देना है और फोन को क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट करना है और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। तो ये था अपडेट, बाकी आप इसके इंटरफेस को चलाना जानते ही हैं। और दूसरा, एक MDM लॉक आता है, सैमसंग में ही आता है, तो सैमसंग में जा करके आप MDM लॉक को भी रिमूव इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारा टैब है यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है। और ऑथ, और एक ऑथ की बात किया जाए, इन्होंने एक सोमी का भी, ऑथ का भी डाला हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं एडेड सोमी ऑथ सर्वर, यहाँ पे मस्ट बी न्यू एक्सेट पर सर्वर रिलीज सर्वर यूजिंग सेम इन प्रोविज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोमी का इन्होंने सर्वर भी ऑथ को ऐड किया हुआ है। रहने सौ, ये तो पहले से भी था हालांकि यहाँ पे, बट आप यहाँ पे जा करके यहाँ पे चेक क्रेडिट, अपना क्रेडिट देख सकते हो। आप यहाँ पे सोमी कुछ मॉडल्स जो होंगे यहाँ पे सेफ फॉर्मेटिंग, सारी चीजें, कुछ मॉडल्स जो होंगे फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप जैसे Note 7 या फिर जो भी मॉडल हमारे फ्लैश नहीं होते हैं, आप उनको यहाँ पे जा करके बहुत ही ईजी तरीके से फ्लैश कर सकते हो। तो आई होप एक अपडेट ये था। दूसरा अपडेट मैं एक और बता देता हूँ फटाक से। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पे मैं बैक करूंगा, जैसा कि आप जानते हो या नहीं जानते थे, तो मैंने इसको दूसरे वीडियो को भी कवर कर दिया है, दूसरे अपडेट को, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा अपडेट है हमारा, इन्होंने SPD CPU को भी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं SPD CPU को भी इन्होंने ऐड कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें UMT प्रो लेना पड़ता था, एवेंजर टूल को सेटअप को चलाना पड़ता था, तब जाके हमारा UMT का सेटअप चलता था। तो आई होप मैं उसके इंटरफेस को भी आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो आई होप, चलिए फटाक से इसके इंटरफेस को भी हम दिखा देते हैं। तो पहले तो इसको देख लेते हैं इनके अंदर क्या अपडेट इन्होंने किया हुआ है। ये सीपीयू के नंबर है, सीपीयू के मॉडल्स हैं इन्होंने ऐड किया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन इन्होंने SPID का, इतने मॉडल्स को इन्होंने ऐड किया हुआ है सारी चीजें। और चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैश आप कर सकते हैं सारी चीजें। तो चलिए इसके इंटरफेस को भी आपको हम दिखा देते हैं। तो इसका इंटरफेस डाउनलोड करना पड़ेगा आई थिंक, तो शायद ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि डाउनलोडेड है कि नहीं है बॉक्स UMT, और यहाँ पे हम जाके देखते हैं। तो चलिए फटाक से इसको भी हम कर देते हैं फ्रेंड, तो क्लोज, और इसको कर देंगे इंस्टॉल। तो एक अपडेट और, अगर आपने पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो प्लीज लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। एनीवेज चलिए ओके कर देते हैं नेक्स्ट और कर देते हैं इंस्टॉल। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है SPD CPU के ऊपर, क्योंकि अभी हमने क्वालकॉम का अपडेट देखा था, अब यहाँ पे हम SPD CPU का अपडेट देख रहे हैं। तो फटाक से हो जाएगा, और बस इसके इंटरफेस को दिखा देते हैं क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फिनिश, और इसको हम कर देते हैं रन एस एडमिनिस्टर, और यहाँ पे एस, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है, चलता है। और चलिए फटाक से खुल जाए, तो आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हमारा खुल चुका है इंटरफेस। ये है हमारा इंटरफेस है फ्रेंड SPD CPU के लिए, जो कि ज्यादातर नोकिया या फिर जो एनी ब्रांड्स आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नोकिया, जेटेक, सबसे ज्यादा तो हमारा आईटेल वाइटेल में ही आता है, आईटेल वगैरह का आता है। ये सारी चीजें, मॉडल को भी सेलेक्ट कर सकते हो 50A, और उसकी FRP बहुत इसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे जो कि इन्होंने दिया हुआ है। बेसिक जॉब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें इसकी FRP हटानी होती है, या फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा काम करना है पे, पैटर्न लॉक या सेफ फॉर्मेटिंग या डाटा विदाउट डाटा लॉस, आप यहाँ पे सारी चीज कर सकते हो। रिमूव FRP और यहाँ पे एक्सक्लूज पे कर देंगे और आपकी FRP गॉन। चलिए अब उसके बाद डायग्नोस में आप देख सकते हैं सारी चीजें, इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फैक्ट्री सेट वगैरह। और यहाँ पे फ्लैश मोड में आप जाएंगे तो फ्लैश मोड में आप तो नॉर्मल कोई भी फास्ट बूट का यूज नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। फर्मवेयर फ्लैशर में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं, आप यहाँ पे पैक फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे XML फाइल को रीड कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फर्मवेयर की, और फ्लैश फोन को भी आप कर सकते हैं। ADB फास्ट मोड में भी जाएंगे तो आप यहाँ से FRP भी रिमूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लैश मोड में, और हम बात करें कुछ कीपैड फोनों की बात करी जाए अगर, तो सैमसंग और यहाँ पे कुछ मॉडल यहाँ पे ऐड किया है उन्होंने, नहीं किया हुआ है, B350E,
और यहाँ पे देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, फोन लॉक, रीड पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड रीड करने का भी दिया हुआ है, तो एक वीडियो में जरूर डालूंगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है फ्रेंड, तो वीडियो में आप बने रहेंगे। चलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।